डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का लेक्चर नंबर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने अल्कोहल से ऑक्सीडेशन के थ्रू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनाना सीख लिया था। दूसरे रिएक्शन में आप लोगों ने अल्कोहल का ही डिहाइड्रोजनेशन करके एल्डिहाइड और कीटोन बनाना सीख लिया था। तीसरी रिएक्शन में आपने एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करके एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाना सीखा था। और चौथी रिएक्शन जो आपकी थी, उसमें आप लोगों ने एल्काइन के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 इन एसिडिक मीडियम में आपने एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाना सीखा था, ठीक है। और उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने एल्डिहाइड के लिए रोजेनमुंड रिएक्शन और दूसरी स्टीफन्स रिएक्शन समझ ली थी, और साथ ही साथ हम लोगों ने डाइबल एच का इस्तेमाल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे देख लिया था कि ये जहां पर भी यूज होगा इसने क्या करना है, रिडक्शन का काम करना है। डाइबल एच एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और हमेशा ही ये क्या करता है, एक स्टेप पीछे लाकर किसी भी कंपाउंड को रख देता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से ये क्या बना लेगा, अगर डाइबल एच यूज कर दिया गया तो ये एल्डिहाइड में उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। और अब हम लोग लेक्चर नंबर सेकंड में आगे की रिएक्शनें देखने जा रहे हैं। तो दो रिएक्शन प्रॉपर जो हमने मेथड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की बात की थी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में हम लोगों ने बच्चों क्या किया था, दो रिएक्शनें पढ़ ली थी। पहला रोजेनमुंड रिएक्शन आप लोगों ने देख ली थी, और दूसरी रिएक्शन आपने स्टीफन्स रिएक्शन आप लोगों ने देख ली थी। इसी के साथ साथ डाइबल एच का इस्तेमाल देखा था। अब हम थर्ड रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, और थर्ड रिएक्शन में जो जो भी बातें आएंगी वो हम चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए थर्ड रिएक्शन जो आप लोगों के पास इन एनसीईआरटी है, पूरा का पूरा चैप्टर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, एक भी चीज नहीं छूटेगी। और साथ साथ हम लोग जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, एक्स्ट्रा चीजें मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि क्लास में मैं मैकेनिज्म वगैरह सब चीजें डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, एग्जाम के लिए आपके पास मैकेनिज्म है नहीं तो मैकेनिज्म करने की जरूरत है नहीं। देखिए अब एनसीईआरटी में मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड जो रिएक्शन है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए, वो है इटार्ड रिएक्शन। और इटार्ड रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, इटार्ड रिएक्शन के थ्रू या बाकी रिएक्शनों के थ्रू जो अब आने वाली हैं, उन रिएक्शनों में हमने देखना है कि सर कैसे हाइड्रोकार्बन से हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है ना, एल्डिहाइड बना सकते हैं। जैसे अब आप लोग, जैसे हाइड्रोकार्बन सर होते क्या हैं, सर हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो सर आपका जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, CH4 एक हाइड्रोकार्बन होता है, C2H6 भी एक हाइड्रोकार्बन होता है, C3H8 भी एक हाइड्रोकार्बन होता है, और बेंजीन रिंग भी एक हाइड्रोकार्बन होता है। अब सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बच्चों ये है कि ये वाले एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो मैथेन एथेन प्रोपेन लिखा हुआ है, और ये जो बेंजीन लिखा हुआ है ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। अब इन दोनों में इतना डिफरेंस है, और बाकी जो बात होंगी वो अलग से डिस्कस का टॉपिक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स में हम लोगों को ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है इसके ऊपर, हमको केवल हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू एल्डिहाइड और कीटोन बनाना सीखना है। देखिए आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं इटार्ड रिएक्शन। थर्ड है, थर्ड रिएक्शन का पहला ही रिएक्शन जो है वो है इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इटार्ड रिएक्शन में आपने कोई हाइड्रोकार्बन ले लेना है, जैसे हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर लगाया गया है CH3। CH3 को मैं बच्चों ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, इसका सिंपल नेम इसको बोलते हैं टॉलुइन, इसको टॉलुइन से प्रोनंशिएट किया जाता है। इसका यूपीएससी या सॉरी कॉमन नेम, कंपाउंड्स के कॉमन नेम होते हैं, तो कंपाउंड, इस कंपाउंड का कॉमन नेम है टॉलुइन। टॉलुइन से हम लोगों ने क्या करना है, टॉलुइन से हम लोगों ने एल्डिहाइड बनाना है, तो बेंजल्डिहाइड इसमें हम लोगों को बनाना है। रिएजेंट क्या होता है सर, इसमें होता है CrO2Cl2,
CrO2Cl2 यानी क्रोमिल क्लोराइड से हम लोगों को क्या करना है, क्रोमिल क्लोराइड के थ्रू हम लोगों को एल्डिहाइड बनाना है और क्रोमिल क्लोराइड के साथ यहां पर प्रेजेंट होता है CS2। ठीक है, अब होगा कैसे ये रिएक्शन, यहां पे O2 के साथ में रिएक्शन हो जाएगा, यानी O2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और O2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, जैसे आपकी इच्छा करे आप वैसे लिख सकते हैं। तो सर O2 के साथ जब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे तो आप जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन पे बच्चों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और कार्बन स्लाइटली पार्शियल क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव। दूसरे कार्बन पे भी क्या आने वाला है, हाइड्रोजन आने वाला है। अच्छा, हम दो हाइड्रोजनों को क्यों यहाँ पे रिएक्शन का पार्ट बना रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट में अगर हम लोग समझे तो इटार्ड रिएक्शन जो होता है बच्चों वो होता है आपका हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और एल्डिहाइड कब बनेगा, एल्डिहाइड कब बनेगा, जब कार्बन से ये दो हाइड्रोजन हटकर इनकी जगह में एक ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो इस रिएक्शन को कहते हैं इटार्ड रिएक्शन, या यही रिएक्शन होती है इटार्ड रिएक्शन। तो आप लोग कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण चार्ज का सेपरेशन मैं आपको बता चुका हूं, और ऑक्सीजन में अगर आप लोग देखें तो ऑक्सीजन में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन में ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन जब सिमेट्रिकल एटम है तो यहां पे एक पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और एक पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाकर और दूसरे ऑक्सीजन को पकड़ा हुआ है, यानी ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन यहां से दोनों बॉन्ड की ब्रेकिंग कर लेता है। ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ मैकेनिज्म, प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है ये। ठीक है, हम लोग केवल और केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो देखो बच्चों यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन के क्योंकि दो बॉन्ड बने हुए हैं, ये दोनों बॉन्ड को तोड़ेगा और यहां से पहले हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन को लेकर किस फॉर्म में, H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, यानी एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पे कंपाउंड कैसा दिखने वाला है, बनने वाला कंपाउंड कैसे होगा, यहाँ पर बनेगा कार्बन और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, कार्बन के दो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, कार्बन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज था, तो इससे क्या करेगा, इससे पॉजिटिव वाला ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ जाएगा, यानी ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, ये आपका बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा, और यही होती है आपकी इटार्ड रिएक्शन, यही है आपकी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में टॉलुइन से बेंजाल्डिहाइड बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या होगा, टॉलुइन से आपका बेंजाल्डिहाइड बनाया जाता है। ठीक है, दूसरी ही रिएक्शन है, दूसरी ही उसकी नेक्स्ट रिएक्शन है, उसकी नेक्स्ट ही रिएक्शन क्या है, देखिए आगे चलते हैं, जो दूसरी रिएक्शन है, थर्ड जो रिएक्शन है उसका बी पार्ट, यानी हम इनमें हाइड्रोकार्बन से ही हम एक्चुअल में एल्डिहाइड बना रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन से ही अगर हम एल्डिहाइड बना रहे हैं तो दूसरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, दूसरा रिएक्शन आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर भी टॉलुइन ही लिया गया है, टॉलुइन ही लिया गया है, यहां पर होगा हाइड्रोजन, यहां पर होगा हाइड्रोजन और यहां पर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहां पर क्रोम CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ यहाँ पे डाला जाता है एनहाइड्राइड, यहाँ पे डाल दिया मैंने CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3। ठीक है ना, ये एनहाइड्राइड यहाँ पे एनहाइड्राइड आपका आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पे भी हमको हाइड्रोकार्बन से क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकलकर इनकी जगह पे डबल बॉन्ड होने लगना है। तो यहाँ पर होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक्चुअल में यहाँ पर होना क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा, अब नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल मैं आपको पहले बता चुका था कि हाइड्रोजन इज स्लाइटली लेस नेगेटिव, तो हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा दोनों हाइड्रोजनों पे, और कार्बन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। तो ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना, होगा क्या, अगर मैं इस कंपाउंड को तोड़ूं, एनहाइड्राइड को तोड़ूं, तो
तो यहां पर आप इसको सिमेट्रिकली कैसे भी तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़िए चाहे ऐसे तोड़िए। देखिए मैंने दोनों तरीके से बता दिया, चाहे आप कैसे तोड़ सकते हैं। ध्यान से देखिए एनहाइड्राइड को, ध्यान से देखिए एनहाइड्राइड को, एनहाइड्राइड को ध्यान से समझिएगा। चाहे तो आप यहां से ब्रेकिंग कर दो, चाहे तो आप यहां से ब्रेकिंग कर दो, दोनों में कंपाउंड एक ही बनने वाला है, तो मैं किसी एक ही साइड से ब्रेकिंग दिखाऊंगा। तो भैया यहां पर क्या है, यहां पे CO जो CH3 है, कार्बन का बॉन्ड बना है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन दुनिया का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होगा, यहां पर दो हाइड्रोजन हमको रिप्लेस करने हैं, तो हम लोग इस एनहाइड्राइड को भी कितने मोल ले लेंगे, इस एनहाइड्राइड को भी हम लोग क्या कर लेंगे, इस एनहाइड्राइड को भी हम लोगों ने क्या कर लेना है, दो मोल ले लेना है मेरे प्यारे बच्चों। कितना लेना है, दो मोल यहां पर आप लोगों ने इसको ले लेना है। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, इस ये जो आपका पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट किसके साथ, नेगेटिव वाले के साथ जुड़कर क्या निकाल देगा बाहर, यहां पर निकल जाएगा CH3। ध्यान से समझिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O और O के साथ में कौन आया है, O के साथ में H पॉजिटिव आया है बाहर, तो यहाँ पे H बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, और दूसरे हाइड्रोजन के साथ में भी, दूसरा हाइड्रोजन भी पॉजिटिव वाला है क्योंकि ये दो मोल लिए गए हैं, तो दूसरे हाइड्रोजन के साथ में भी आपका CH3 CO नेगेटिव और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन ये भी हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा, यानी आपका दो मोल क्या बन चुका है, टू मोल आपका एथेनोइक एसिड बन चुका है, एथेनोइक एसिड आपका दो मोल यहाँ पर बन चुका है। अब होता क्या है बच्चों, अगर मैं आपको इस टॉलविन का पिक्चर अब दिखाऊं, तो टॉलविन कैसा है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और दो वैलेंसी इसकी खाली हो चुकी है, क्योंकि हाइड्रोजन निकल चुका है ना, दो वैलेंसी इसकी खाली हो चुकी हैं। और यहां पर कैसा था, यहां पर अगर इसकी ब्रेकिंग हुई, ध्यान से समझिएगा, यहां पर जब इस तरीके से ब्रेकिंग हुई, इस तरीके से ब्रेकिंग हुई, एनहाइड्राइड को ध्यान से देखिए, यहां पे अगर ओ नेगेटिव वाले हाइड्रोजन को लेके भागे हैं, तो ये जो ये कंपाउंड था टू मोल लिया गया था, तो ये भी CH3CO ओ नेगेटिव भी दो ही रहे होंगे, और दो रहे होंगे तो दो ओ ये कम दो नेगेटिव वाले पार्ट दो एच पॉजिटिव को लेके भागे हैं, तो यहां पर आपके पास क्या बच गया था, यहां पर आपके पास 2 मोल क्या बन चुका है, CH3CO पॉजिटिव बन चुका है, और यहां पर 2 मोल ही ये हैं और कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हैं, मगर यहां पे ये जुड़ते जरूर हैं। देखो कार्बन स्लाइडली नेगेटिव भी था, अब ये पॉजिटिव वाले उस पे कार्बन पे जाके जुड़ेंगे जरूर, पर उससे पहले यहाँ पे किसका रोल आ जाता है, उससे पहले यहाँ पे CrO3 का रोल आ जाता है, CrO3 का रोल आ जाता है, CrO3 इन दो मोल को यहाँ पर एक एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, यानी यहाँ यानी क्या होगा यहाँ पर किसका रोल आएगा, यहाँ पर आएगा CrO3 का रोल, और यहाँ पर आपके पास क्या थे, COCH3 थे दो। ठीक है ना, यहाँ पर कितने क्या थे आपके पास, COCH3 बचे हुए थे पॉजिटिव वाले। ठीक है ना, ये पॉजिटिव वाले, तो ये क्या करेगा, यहां से एक ऑक्सीजन तो दे देगा इसको, और एक ऑक्सीजन दे देगा इसको, और ये ऑक्सीजन के साथ जाकर यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पर कंपाउंड तुम्हारे पास क्या बनने वाला है, यहाँ पे बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ में कार्बन, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, यहां पे जुड़ जाएगा ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, और दूसरा जुड़ जाएगा ओ सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री। ठीक है ना, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। ठीक है, अब मैं इस स्लाइड को एक मिनट कॉपी कर लेता हूं, पहले ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया है। अब क्या होगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या होगा, मैं आगे बता रहा हूं आपको इस रिएक्शन में आगे होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है। टॉलविन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए जो रिएक्शन है, उनमें ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन का रोल अदा करती है। ठीक है ना, तो मैं इस कंपाउंड को यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब क्या होगा, फर्दर रिएक्शन में क्या होगा, बेंजीन रिंग आपके पास थी, यहाँ पे कार्बन था, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे था C डबल बॉन्ड O CH3,
ठीक है, OCOCH3 सॉरी, ठीक है एक सेकेंड, एक मिनट से लिख लेता हूं, सी यहां पे एच था, यहां पे था ओ सी ओ सी एच थ्री, और दूसरा था आपके पास ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। तो अच्छा बच्चों ये कंपाउंड हमारे पास ये था, ठीक है ना। अच्छा देखिए अब आगे रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन आगे क्या होगी कि सर इसका अब हम लोगों को करा लेना है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है अब इसका हम लोगों को करा लेना है सर, क्या करा लेना है हाइड्रोलाइसिस, H2O के साथ में रिएक्शन करवा ली नहीं। अब H2O से क्या होता है, H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है H2O में, तो यहाँ पर इस कंपाउंड की ब्रेकिंग कैसे होगी, यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक होगा, यहाँ पे O नेगेटिव क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव O नेगेटिव और कार्बन वाला पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वालों के साथ यहाँ पे 2 मोल H2O के ले लेंगे, तो यहाँ पे दो ही H पॉजिटिव आयन बने होंगे और दो ही OH नेगेटिव आयन बने होंगे, तो COCH3 पॉजिटिव वालों के साथ OH निकल जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा 2CH3CO और CO पॉजिटिव वाले थे तो इनके साथ क्या लग जाना था OH लग जाना था, यानी यहाँ पर बन चुका है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस, और कार्बन के जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो उन पे जाके क्या लग जाना है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ पे O के साथ हाइड्रोजन लग जाना है, O के साथ हाइड्रोजन लग जाना है, और ध्यान से देखिए कि आपका प्रोडक्ट बनने ही वाला है, आपको पता है कि एक कार्बन पर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर बनने वाले दो OH कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा और यहां से H2O का रिमूवल तुरंत हो जाएगा और बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी ये कंपाउंड पूरा का पूरा क्या बन चुका होगा, दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। तो यहां पर CrO3 से CrO3 और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड, तो CrO3 और एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में टॉलविन को कैसे बेंजल्डिहाइड में बदला जाता है आप लोग शायद समझ चुके होंगे, और नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, थर्ड रिएक्शन है आपके पास क्लोरिनेशन, चेन क्लोरिनेशन ऑफ बाय साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ये बुक में दिया गया है, ठीक है बाय साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए बच्चों कैसे होता है ये रिएक्शन, देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो सी रिएक्शन है, सी रिएक्शन में यही बताया गया है कि टॉलविन से आपके पास बेंजाल्डिहाइड बनना कैसे है, तो इसके इसमें क्या गया है क्लोरीनेशन कराया गया है, यानी Cl2 के साथ में रिएक्शन करवाई गई, Cl2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ Cl बॉन्ड Cl और HNu के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो बच्चों HNu में आपको पता है HNu क्या होता है, सनलाइट होता है और सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आपके पास जाने वाली है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कैसे होगा ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा ध्यान से समझो, यहां से क्लोरीन का फ्री रेडिकल फॉर्म में यानी होमोलाइटिक क्लीवेज यहां से होने वाला है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास और इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, यानी यहां पर से दो Cl फ्री रेडिकल बनेंगे, और अगर यहां पर से आप अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग करें एच2लाइट के थ्रू, तो यहां से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल, यहाँ पे दूसरा कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन के ऊपर फ्री रेडिकल, इस तरीके से बनने वाला है, ध्यान से समझिएगा मैं आपको शॉर्ट मैनर में करा रहा हूं ये रिएक्शन, इसका पूरा मैकेनिज्म होता है। तो देखिए यहां पर होने क्या वाला है, यहाँ पे आपने Cl2 कितने ले लेने, 2Cl2 ले लेने हैं, बुक में नहीं दिया गया है पर एक्चुअल में हम कितने ले लेते हैं उसको, 2Cl2 ले लेते हैं, यानी आपके पास ओवरऑल कितने फ्री रेडिकल है, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितने Cl फ्री रेडिकल हैं, सर हमारे पास 4Cl फ्री रेडिकल यहां पर बन चुके हैं। अगर मैं टॉलविन पे HNu लाइट डालूंगा, ध्यान से समझिएगा 2Cl2 पे फ्री राइट HNu लाइट पड़ी तो 4Cl फ्री रेडिकल आपके जनरेट हो चुके हैं, और टॉलविन पे जैसे ही मैं HNu लाइट डालूंगा,
एचन्यू लाइट पहली बारी में डालूंगा तो एचन्यू लाइट डलते ही ये क्या होगा, यहां से होमोलाइटिकली बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, यानी ये कुछ इस तरीके से ब्रेकिंग हो जाएगी बेंजीन रिंग और इसके ऊपर CH2 फ्री रेडिकल प्लस एच फ्री रेडिकल, ठीक है ना। अब एक सीएल फ्री रेडिकल तो आ जाएगा यहां और दूसरा फ्री रेडिकल चला जाएगा यहां, इनमें से चार में से दो यूज हो चुके हैं, ठीक है। अब दो यूज हो चुके हैं तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, CH2 तो ऐसा ही रहेगा फ्री रेडिकल, सीएल फ्री रेडिकल, बट जब CH2 फ्री रेडिकल के सामने आएगा तो फ्री रेडिकल का मतलब वन इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन सीएल का, दोनों मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, CH2Cl बन जाएगा, और H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल आपस में मिलके HCl का फॉर्मेशन कर देंगे। अभी देखना दो Cl यहां पर यूज हुए हैं, यहां पे ओवरऑल कितने Cl फ्री रेडिकल यूज हुए हैं, 2Cl फ्री रेडिकल यूज हुए हैं। फर्दर रिएक्शन आगे जाएगी, रिएक्शन को दूसरे पेज में लेके चलते हैं। अभी हमारे पास अभी स्टेप नंबर टू में मैं लेके चल रहा हूँ, स्टेप टू में लेके चल रहा हूँ, क्या होगा स्टेप टू में ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे कार्बन के साथ में सीएल जुड़ चुका है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, यानी ये प्रोडक्ट आपके पास बन चुका है। अब क्या होगा अगर मैं इस पे फिर से एचन्यू लाइट फिर से डालूं तो यहाँ पर से फिर से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। तो बच्चों यहाँ पर होने क्या वाला है, यहाँ पर ये होने वाला है कि कार्बन के साथ एक सीएल ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था और कार्बन के ऊपर आ चुका है फ्री रेडिकल और यहाँ से एच फ्री रेडिकल जनरेट हो चुका है। अब आप जानते हो कि सीएल पे जो हमने फ्री रेडिकल बनवाए थे वो चार फ्री रेडिकल थे, उनमें से दो ही यूज हुए थे, तो एक सीएल फ्री रेडिकल आएगा यहां पे और एक सीएल फ्री रेडिकल आएगा यहां पे, ठीक है, एक सीएल फ्री रेडिकल आएगा यहां पे और एक सीएल फ्री रेडिकल आएगा एच के पास और एक आएगा कार्बन के पास। तो फर्दर क्या होगी रिएक्शन, देखो फर्दर क्या होगी रिएक्शन, फर्दर रिएक्शन आपकी हो जाएगी क्या, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर आपके हो जाएगा कार्बन के साथ एक सीएल ऑलरेडी जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, दूसरा सीएल भी जुड़ जाएगा और यहाँ पे एक और एचसीएल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास प्रोडक्ट क्या बन चुका है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर थर्ड में आप देखेंगे तो आपके पास क्या हो चुका है, आपके पास क्या हो चुका है, यहाँ पर आपका CHCl2 बन चुका है, CHCl2, इसका जब आप लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H2O के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो H2O में आप जानते हैं H2O में आप जानते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होगी, अगर मैं इस क्लोरीन को इस तरीके से लिखूं, इन क्लोरीन को मैं अगर इस तरीके से लिखूं तो बच्चों यहाँ पे देखना है Cl और Cl और Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि हेलोजन फैमिली का है, तो कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव होगा, दूसरे कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। इन दोनों Cl नेगेटिव को क्या करेंगे, H पॉजिटिव, क्योंकि H2O भी यहाँ पर हम कितने H2O लेंगे, दो H2O लेंगे बच्चों, दो H पॉजिटिव इन दोनों Cl नेगेटिव को लेकर 2HCl बाहर कर देंगे, बचे हमारे पास दो OH नेगेटिव और दो OH नेगेटिव कहां पे जुड़ जाएंगे, दो OH नेगेटिव जुड़ जाएंगे आपके, दो OH नेगेटिव जुड़ जाएंगे कार्बन पे, यानी ये OH इधर जुड़ गया और ये OH दूसरा इधर जुड़ गया, एक कार्बन पे दो OH, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे दो OH स्टेबल होते नहीं है, तो ये OH और ये H किसका रिमूवल कर देगा, ये दोनों कर देंगे रिमूवल H2O का, और H2O का रिमूवल कर देंगे तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो तीन मेथड के थ्रू हम लोग टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब चलते हैं चौथी रिएक्शन पे, जो एनसीईआरटी की चौथी रिएक्शन है। अब चौथी रिएक्शन जो है आपके पास, चौथी रिएक्शन है आपके पास गैटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। अब ये गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या करती है बच्चों, गैटरमैन कोच रिएक्शन में हम लोग बेंजीन के थ्रू
ये बेंजीन यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना हा? बेंजीन की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ CO और HCl में कराते हैं और यहां पे बेंजाल्डिहाइड बन जाता है। अब कैसे बनता है ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड बनता है। इसका मैं तरीका आप लोगों को समझाता हूँ होता क्या है, एक्चुअल में अगले पेज में देखते हैं होता क्या है, ठीक है। तो बच्चों ये तो रहा आपका बेंजीन, ठीक, और यहाँ पे होता है सी डबल बॉन्ड ओ और कार्बन के ऊपर एज अ लोन पेयर की तरह दो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन करता है चार बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो CO यहाँ पे बनता है और HCl से क्या मिलेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो बच्चों ये एज अ लोन पेयर की तरह ट्रीट होते हैं, तो ये क्या करता है, अटैक करता है H पॉजिटिव पे। तो कार्बन डबल बॉन्ड ओ और इधर क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन। जैसे ही लोन पेयर का अटैक होता है तो आप ध्यान से देखिएगा कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, तीन बॉन्ड, और तीन बॉन्ड जब कार्बन बनाता है तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर जितने बॉन्ड वो बनाता है उससे कम बॉन्ड बने होंगे तो कार्बन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कोई भी स्पीसीज जब लोन पेयर का डोनेशन करती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पे बचा हुआ Cl नेगेटिव यहाँ पे क्या करता है, इस पॉजिटिव पे अटैक करता है और यहाँ पे बना लेता है H C डबल बॉन्ड O ऑलरेडी था और यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl नेगेटिव। तो H कार्बन पॉजिटिव Cl नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी ओवरऑल आपको CO और HCl से क्या मिल गया है, HCOCl, ठीक है ना, HCOCl आपको मिल चुका है। अब होता क्या है बच्चों, नेक्स्ट पेज में देखिए स्टेप नंबर टू, इसको कह सकते हैं आप लोग स्टेप नंबर, आप इसको टू कह सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एल के साथ रिएक्ट करता है। अब जानते हैं आपके डबल बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट होता है, तो यहाँ पे बेंजीन का डबल बॉन्ड, क्योंकि देखिए कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सी एल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, जो दोनों के दोनों ही उससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो चुका होगा और डबल बॉन्ड क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट होते हैं, तो ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ठीक है, ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जब ये अटैक करेगा तो बेंजीन के बाकी के दो बॉन्ड ऐसा ही रह जाएंगे और इस कार्ब इस CHO नेगेटिव Cl, ध्यान से देखिएगा हुआ क्या, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार देखिए, एक बार ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, हुआ क्या, जैसे ही कार्बन का डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट होकर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जब वो अटैक करेगा तो इस कार्बन पे, या तो इस कार्बन पे जोड़ दो या तो इस कार्बन पे जोड़ दो, देखो ध्यान से समझिए, दूसरे कलर से इंडिकेट करता हूं, या तो इस कार्बन पे या तो इस कार्बन पे, दोनों में से किसी भी कार्बन के साथ आप इस कार्बन को, दोनों में से आप किसी के साथ भी इस कार्बन को जोड़ सकते हैं, मगर जोड़ते ही क्या होगा, ध्यान से देखिए ये COCl वाले कार्बन को इसने ऑलरेडी चार बॉन्ड बनाए हुए हैं, और अगर COCl ने चार बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो जैसे ही ये कार्बन के साथ में जुड़ेगा, तो ये क्या करेगा, इसके साथ H जुड़ा हुआ था, इसके साथ Cl जुड़ा हुआ था, ये अपने डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग ऑक्सीजन के ऊपर कर देगा, यहां पे हो जाएगा O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए इनका हाल सामने वाले, क्योंकि बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी है, यहां पे क्या हुआ है बच्चों, देखो बेंजीन है तो इसका मतलब प्रत्येक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी है, और एक एक हाइड्रोजन भी है तो इसका मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, यहाँ दूसरे कलर से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर इस कार्बन ने चार बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी एक दो तीन और चार बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, मगर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ये दूसरे कार्बन को देखिए, इस कार्बन को देखिए, क्या इसने चार बॉन्ड बनाए हुए हैं, सर इसने एक बॉन्ड दो बॉन्ड और तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब इसके पास किसकी कमी हो चुकी है, बॉन्ड की कमी हो चुकी है, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज,
अब होगा क्या सर, जैसे अब ये ऊपर ओ नेगेटिव था, इसको न्यूट्रलाइज करने वाला भी यहां पर है नहीं कोई, तो सर ये ओ नेगेटिव वापस डबल बॉन्ड की फॉर्म में नीचे आता है और ये सी एल नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यानी कुछ कैसा पिक्चर हमको देखने के लिए मिलेगा सर, हमको कुछ ऐसा पिक्चर देखने के लिए मिलेगा, सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे हो जाएगा, एच यहाँ पे हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे हो जाएगा, एच यहाँ पर हो जाएगा, और सर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी देगा, हाइड्रोजन यहाँ पे से दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर छोड़कर खुद एच पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा, खुद एच पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पे बना जाएगा बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे बना जाएगा बेंजल्डिहाइड। अच्छा ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ हाइड्रोजन ने क्यों अपनी कुर्बानी दी, क्योंकि बेटा बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिसिटी सबसे ऊपर, एरोमेटिसिटी सबसे ऊपर, एरोमेटिसिटी से कंपाउंड को स्टेबलाइजेशन मिलता है, तो वो कभी भी अपनी एरोमेटिसिटी को खत्म नहीं करना चाहेगा और खत्म नहीं करना चाहेगा। तो अगर ये रिएक्शन कर भी लेता है तो आफ्टर ऑल रिएक्शन में लास्ट में ये अपनी एरोमेटिसिटी को रिटेन कर लेता है, इसीलिए एच पॉजिटिव अपना बलिदान देता है ताकि बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी बरकरार रहे। तो ये तो मैकेनिकल वे था, ये पूरा मैकेनिज्म था, इसका मैकेनिज्म आपके पास है नहीं। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूं इसी रिएक्शन को, तो आपका जो ये गेटरमैन कोच रिएक्शन है, इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास करना, जैसे पसंद आए वैसे समझ लेना। सर आपने क्या किया, आपने बेंजीन की रिएक्शन कराई CO और HCl के साथ, और हम जानते हैं CO HCl ने मिलकर हमको क्या दे दिया था, HCOCl दे दिया था। अब आप जानते हैं कार्बन बेंजीन के पास क्या होता है, बेंजीन के पास सर हर एक कार्बन पे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पर भी होगा, तो हर कार्बन के पास सर एक एक हाइड्रोजन है। तो होगा क्या, आप जानते हैं कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा और कार्बन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, आसानी से टूट जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पे क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये एच पॉजिटिव सी एल नेगेटिव को लेकर क्या कर देगा, एच सी एल का रिमोल कर देगा और यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ और एच। देखिए ये वाला कार्बन, ये वाला पार्ट बचा आपका पॉजिटिव पार्ट और कार्बन पे नेगेटिव था, कार्बन पे नेगेटिव था, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी कार्बन के साथ ये वाला कार्बन बॉन्ड बनाएगा और आपका बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में आप लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब आपका कल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स होगा, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन आप लोगों ने कल से पढ़ना है, ठीक है। आज का लेक्चर देखने के लिए, साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद मैं करता हूँ। आपके टीचर का नाम है शुभम सुंदरियाल, ठीक है, शुभम सुंदरियाल। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई डाउट्स अगर आपको आते हैं 9639-0460 व्हाट्सएप पर आप लोग मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, और अगर हमसे ऑफलाइन मोड में जुड़ना चाहें तो निम्बू चौड़कूड़ द्वारा में हमारा अचीवर क्लासेस नाम से कोचिंग सेंटर चलता है, निम्बू चौड़कूड़ द्वारा में यहाँ पर हमारा अचीवर क्लासेस नाम से कोचिंग सेंटर चलता है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।